अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजाइनर तस्नीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी रोल समोसा रेसिपी। तो चलिए किस बात की देरी, रेसिपी को शुरू करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया, उसमें मैं डाले रही हूँ 1 कप भर के ऑल पर्पज फ्लोर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा मसल के डालने, इस तरह मसल के डालने से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। सॉल्ट स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून भर के घी घर में बनाया हुआ डाल के इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें मैं डाले रही हूँ 1/2 कप भर के पानी। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए आटे को इस तरह अच्छे से गूंद लें। आटा हमारा गूंद के तैयार है। ऊपर से हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के तेल। डाल के इसको अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करके लिड कवर करके इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए बाजू रखें। ये देखिए दूसरी ओर मैंने 2 मीडियम साइज आलू को लेके उसको मीडियम फ्लेम में 2 विजिल रख लिया और उसको छुलका निकाल के बाजू रख लिया और उसको वीडियो में दिखाया जैसे इस तरह अच्छे से ग्रेट करें। आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और घिस के रखा हुआ मीडियम साइज 1/2 प्याज, छोटा साइज 1 गाजर, कट करके धो के रखा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के कूटी हुई सूखे मिर्च, चिली फ्लेक्स। आपके टेस्ट के मुताबिक आप चिली फ्लेक्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। इसका स्वाद तो एकदम बाजार के आलू के समोसे जैसे ही रहता है, लेकिन हमें इसको यहाँ पे एक अलग सा रूप देते हैं। इसका रूप या टेस्ट जैसे भी हो, खाने में तो ये स्वादिष्ट रहना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ पक्का ये कह सकती हूँ कि ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसको एक अलग सा रूप देते हैं, इतना ही फर्क है। ये देखिए 15 मिनट के बाद आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए दूसरी ओर मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉल लिया। बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के ऑल पर्पज फ्लोर को डाले रही हूँ। डाल के इसमें थोड़ा सा पानी को डाल के वीडियो में दिखाया जैसे इसको अच्छे से मिक्स करें। हमें इसको इस कंसिस्टेंसी में मिक्स कर लेना है, इसको थोड़ी देर बाजू रखें। तो चलिए अब हम इसको रोटी बेलें। समोसों का शीट से कंपेयर करते हुए ये तो बहुत ही आसान तरीके है दोस्तों। मैंने यहाँ पे आलू का फिलिंग के साथ समोसा शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें खीमा भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल स्टफ भी ऐड कर सकते हैं। आपको कौन सा स्टफ पसंद होता है आप उसको स्टफ करके समोसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा पॉलीथिन डालते हुए इसको अच्छे से बेल ले रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में ही रहा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए उसी प्रकार मैंने रोटी को बेल लिया है और उसको वीडियो में दिखाया जैसे इसको कट करें और रेडी करके रखा हुआ मिक्सर को इस तरह एक एक करके रख दें। है ना बहुत आसान रोलिंग समोसा बनाना। तो किस बात की देरी, इस रमज़ान इफ्तार में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बाद में मुझे कमेंट्स में बताइए आपको इस रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो में दिखाया जैसे इसको इस तरह अच्छे से रोल करके थोड़ा सा बैटर लगा के इसको इस तरह कवर कर दें। उसी प्रकार हमें सारे समोसों को भी इस तरह रोल कर लेंगे। सिर्फ एक रोटी बेली और इतने सारे समोसे बन के तैयार हो गए। ये देखिए उसी प्रकार मैंने सारे समोसों को भी रोल कर लिया, रोल होके तैयार है। तो चलिए अब हम इसको डीप फ्राई करें। इसको डीप फ्राई करने के लिए मैंने स्टोव पे कड़े रख लिया और उसको डीप फ्राई को बड़ा हुआ ऑयल डाल के इसको गर्म होने रख दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है और उसमें डाल रही हूँ रोल करके रखे हुए समोसे। साइड में से स्टफिंग हमारा बाहर ना आए, इसलिए मैंने इसको इस बैटर में थोड़ा सा इस तरह डिप करके इसको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह करने से स्टफिंग हमारा बाहर नहीं आएगा और तेल भी हमारा ख़राब नहीं होएगा। डाल के हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम में, इसका कलर हल्का सा ब्राउन है तक इसको एक तरफ अच्छे से डीप फ्राई करें। ये देखिए एक तरफ अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको दूसरी ओर फल डालें और इसमें का स्टफिंग भी बाहर नहीं आया, तेल भी हमारा एकदम क्लीन है। उसी प्रकार हमें इसको दोनों तरफ भी अच्छे से डीप फ्राई करें। मैंने इसको दोनों तरफ अच्छे से तल लिया है। इसका कलर देखिए बहुत ही परफेक्ट है। इस समय हमें इसको बाहर निकाल लें। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी।
रोलिंग समोसा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। इस रेसिपी को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।